हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की करंट अफेयर देखेंगे। और पहले मैं आपको एग्जाम का कैलेंडर दिखा देता हूँ। और ये एग्जाम का कैलेंडर जारी हुआ था, तो यहाँ पर इसलिए जारी किया गया था क्योंकि पेपर लीक वाली समस्या आपने सुनी होगी। सुनने वाली बात नहीं थी, ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे इसको लेकर। इन लोगों ने जो भी पेपर लीक कराते हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो, पुलिस वाले इन्वॉल्व हो, या फिर बड़े ऊंचे ओहदे के ऑफिसर इन्वॉल्व हो, चाहे कोई प्रोफेसर इन्वॉल्व हो, ये सभी लोग बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो अब सरकार को इनके आगे झुकना पड़ता है। सरकार को झुकने के सिवाय इनके पास कुछ काम होता नहीं। सरकार रोक नहीं कर सकती करप्शन को, क्योंकि सरकार के अंदर या अपोजिशन हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, उनके जो एमपी एमएलए होते हैं वो खुद जो है उनका एक नेक्सस होता है इन क्रिमिनलों के साथ में, क्योंकि वो सरकार को और जो सरकार के एमपी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, उनके जो एमपी एमएलए होते हैं वो उनको बहुत बड़ा एक अमाउंट पे किया जाता है। और ये जो क्रिमिनल होते हैं ये अपनी मनमानी, चाहे वो पेपर, चाहे वो रेप हो, चाहे वो गांजा बेचना हो, दुनिया भर के, चाहे वो हथियारों को उनका स्मगल करना हो, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है इंडिया के अंदर। लेकिन सरकार हो वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती। अभी भी पेपर लीक हुआ था, चाहे नीट का हो, आरओ एआरओ का हुआ, सरकारों ने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि अगर उनको पता एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उनका जो काला सा मुंह है उसको छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो वो तो प्रोटेस्ट हुए, ऑल इंडिया सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, अपोजिशन पार्टी का दबाव था, और भी इंडिया में बहुत ज्यादा दबाव था, जिसकी वजह से सरकार को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है। और अभी भी सरकार दबे पांव ये एक्सेप्ट करती है कि पेपर लीक हुआ है, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर यूपी की गवर्नमेंट हो। दूसरी गवर्नमेंट भी कोई कम नहीं होती है। सभी जगह पेपर की समस्या है। पेपर देखिए अभी क्या होता है, पेपर होएगा, लीक हो जाएगा, फिर डेट बढ़ेगी, फिर ये होएगा, बहुत इससे क्या होता है, जिनकी एज होती है वो एज निकल जाती है, फिर तो वो रह जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं है। अब जो हमारा यूपी पीसीएस का पेपर होगा वो 27 अक्टूबर को होगा, तो अप्रोक्सीमेट आप लगाओ कि यूपी पीसीएस का जो है 3.5 मंथ के आप मोटा मोटी मान के चलो, सेकेंड कि 3.5 मंथ है। तो 3.5 मंथ के आपका जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, करंट अफेयर हो, यहाँ पर पेपर है आपको, ये देख सो 27 अक्टूबर को पेपर है प्री का, यूपीपीसीएस का। तो देखो पेपर होने वाला था, एक सेकेंड, पेपर कब होने वाला था, पेपर होने वाला था मार्च में, लेकिन मार्च में फिर आरओ एआरओ की पेपर लीक हुआ, दो पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर बहुत सारे पेपर लीक हुए। तो अब होना क्या चाहिए, देखिए प्रिपरेशन में ये होना चाहिए थी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर और जून तक, 1 जून 2023 के जो मोटे मोटे टॉपिक हैं करंट अफेयर के, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, जो हॉट टॉपिक है। और जून जून मंथ से लेकर, जून मंथ 2023 से लेकर और अक्टूबर में पेपर है तो उससे एक पहले मंथ मतलब सितंबर 2024 तक की जो करंट अफेयर, इसके बारे में आपको कंप्रेहेंसिवली पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से इंडेक्स पूछे जाते हैं, रिपोर्ट पूछी जाती है, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, ये सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2023 में जो पेपर हुआ था आयोग में, कैसे इंडेक्स थीम्स पर क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं क्या काम करूंगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वो दिखाऊंगा कि किस टाइप। देखो अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर से रिलेटेड सॉल्व नहीं करे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को देखना जरूरी है, क्योंकि देखने से आपके माइंड में एक मैसेज आएगा कि किस टाइप के हमको करंट अफेयर तैयार करनी है, क्या लेवल होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, बर्डन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बर्डन क्यों, उसका मैगजीन उठाया, उसका मैगजीन उठाया, ये उठाया, वो उठाया। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको मैगजीन, आप जो भी हो आप अच्छे से, मतलब कोई एक दो मैगजीन जो है, एक मैगजीन अच्छी सी जो है, हर एक चीज को मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं कि आपने छोटी छोटी चीजें, मैंने मतलब बहुत सारी मैं मैगजीन पढ़ता रहता हूँ, कुछ मैगजीन तो ऐसी होती है मतलब जिसमें छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी चीजों को मतलब वो उसका क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि जबकि वो बहुत मतलब उनको अपनी मैगजीन मोटी सी करनी होती है, जो दिखाने होता है देखो क्वेश्चन बनाए गए, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तो आप चाहे प्राइवेट कोई कोई भी आप सेट वो कर रहे हो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे मैं आपको 2023 के मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलेटेड पूछा था कि सोशल प्रोग्रेस इसमें जो इंडेक्स जारी होता है इसके अंदर, ये दो, देखिए पेपर कब हुआ था, पेपर हुआ था 2023 में, ये दिसंबर की रिपोर्ट है, दिसंबर में। तो आप समझ गए पिछले एक साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में, तो सोशल प्रोग्रेस मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ किस किस टाइप के आयोग क्वेश्चन पूछता है, इंडेक्स हो,
और चाहे रिपोर्ट हो। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्कॉर्पियन क्लास ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछा था आयोग ने। और यहाँ पर व्हाट इज द रैंक ऑफ द व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो देखिए 2022 की रिपोर्ट में पूछा था, इसलिए जब भी 2023 में पेपर हो रहा है 2022 की करंट अफेयर को, करंट अफेयर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे, थीम पूछता है। देखिए क्वेश्चन ये सॉल्व मत करो, जरूरी नहीं ये सॉल्व करो, बस आप आने जब भी आप नहीं कोई थीम हो, ठीक है, वो तैयार होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये इसका हिंदी वर्जन है। और यहाँ पर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, मतलब कौन जारी करता है, ये भी पूछते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। कि अब देखिए मैंने आपको डेट दिखा दिया, और अब हम करेंगे क्या, देखिए जैसे मैंने कहा कि हम जो है 1 साल का करंट अफेयर, हम ये तो मैंने यहाँ पर 1 साल का करंट अफेयर लिख दिया है, लेकिन हम सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर देखेंगे, कैस कब से जून 2023 से लेकर। और ऐसा नहीं कि मैं 1 जनवरी 2023 और जून 2023 तक का करंट अफेयर छोड़ दूंगा, उसको भी कराऊंगा बीच बीच में, मतलब बीच बीच में टॉपिक डालता रहूंगा जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है, जो माइन्यूट सी डिटेल्स में वो नहीं डालूंगा। और पहला हम अपना ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 2024 का जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज विनर है, ये बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको याद कर रखना कि इंडिया में किसको मिला है, तो इंडिया में ये आलोक शुक्ला जी को मिला है। अब देखिए इन्होंने आलोक शुक्ला जी को ये अवार्ड मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया, ऐसे पूछा जाता है कि इंडिया में किसको 2024 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो ये आलोक शुक्ला जी हैं, इनको क्यों मिला है। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर एक एसडीओ, वहां पर एक मतलब एरिया है, तो वहां पर जो है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने उस फॉरेस्ट को, क्योंकि भारत सरकार ने वहां पर जो है कोल माइन के लिए जो प्रोजेक्ट थे वो लॉन्च कर दिए थे, तो इन्होंने उन कोल माइन के प्रोजेक्ट को रुकवाया। अगर देखिए सिंपल सी बात है, कोल माइन जितनी भी कोल की माइनें होती हैं वो सब फॉरेस्ट के नीचे होती है, नीचे यहाँ पर फॉरेस्ट होगा ऊपर पेड़ होंगे, तो पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर अगर देखिए होता क्या है कि आप चाहे कितने भी पैसे लगा दो, जिस टाइप का फॉरेस्ट नेचर ने बनाया है आप उस टाइप का फॉरेस्ट उसमें आप नहीं बना सकते, उसकी डाइवर्सिटी आप नहीं ला सकते हो चाहे आप कितने भी पैसे लगा दो। तो इसलिए इन्होंने जो है इस फॉरेस्ट को, छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और इन्होंने इसलिए इनको जो है ये अवार्ड मिला। अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, देखिए एक दो बुक का पता होना चाहिए, ये जो एक नॉवल कैरोज, कैरोज एक नॉवल है, बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो। तो इन्होंने जो है इसको लिखा है, ये जो है ये दोनों जर्मनी के हैं, इन्होंने लिखा है और इन्होंने ट्रांसलेट किया है, तो इन दोनों को ज्वाइंटली ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 मिला है। इनका क्या नाम है, देखिए जेनी, इनका इनके नाम के बारे में बता रहा हूँ, एरपन, जेनी एरपन वैक, और इनका नाम है माइकल हॉपमैन। तो माइकल हॉपमैन ने ट्रांसलेट की है ये जो बुक है कैरोब्स, और इन्होंने ये लिखी है जेनी एरपन वैक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्ल्ड फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंकिंग थी ये पता होना चाहिए। पहले तो ये देखो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्यों पता होना चाहिए, किस कौन पब्लिश करता है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, देखिए यहाँ पर ये पूछा था सोशल, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, कौन पब्लिश करता है, तो ये भी पूछता है। तो देखो ये जो यूपीएससी यूपीएससी के पेपर, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बहुत सारे क्वेश्चन ये यूपीएससी के लेवल के बनाते हैं, तो अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी पहले यही, पहले तो उनके भी टुच्चे क्वेश्चन होते थे, लेकिन वो भी एक एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो भी एक यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। अगर आपने पिछले साल 2000 जो पेपर हुआ था 2023 का पेपर जो हुआ था 69 बीपीएससी हुआ था, तो उसमें अगर आपने देखो तो उसमें उन्होंने पूरा पैटर्न बदला है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रखे थे जो यूपीएससी के लेवल के थे, जो यूपीएससी के यूपीएससी में पूछे गए थे, और जो मतलब जिनको पता है उनको पता है कि भाई किस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पेपर पूछती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का ये कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, और इंडिया की जो है रैंकिंग क्या थी इस बार, तो 159 पोजीशन थी इंडिया की, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये दे रखे हैं ऐसी कंट्री जो 10 कंट्री हैं, ये आपको जरूरी नहीं पता हो कि जो बहुत ये वो कंट्री हैं जो जो यहाँ पर
वो जो एक प्रेस होती है उसको फ्रीडम नहीं है, और एक ये वो कंट्रियां हैं जिनको यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे डेनमार्क सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इंडिया की क्या रैंकिंग थी? देखिए 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग इस बार बहुत अच्छी रैंकिंग है, 39। आप समझ गए? तो ये बहुत अच्छी रैंकिंग है। पहली बार 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया है, इंडिया की क्या रैंक है, ये बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ये तो पता होगा, आईपीएल के बारे में पता होगा, जो क्रिकेट के दीवाने हैं जिनको पता है क्रिकेट के बारे में उनको पता होगा कि इस बार जो कोलकाता नाइट राइडर है, ये इसने मतलब ये इंडियन प्रीमियर लीग 2024 जीती है, आईपीएल जीता है, और ये 17वें नंबर का एडिशन था। कहाँ पर हुआ था ये, स्टेडियम का नाम भी बताऊँ, चेन्नई के अंदर होता है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। तो ये आपको पता नहीं कौन सी इन्होंने जो टीम है उसको हराया था, ये सनराइजर हैदराबाद को इन्होंने हराया था 8 विकेट से। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछते को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई ये हमको पता है, कभी कभी आयोग इससे भी जाकर बियॉन्ड देख लेता है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है वर्ल्ड कप के बारे में इस बार, ठीक है, और ये इंडियन प्रीमियर लीग, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पर हुई थी। देखिए ये नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, और इंडिया ने इस वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में अपना जो प्लान है, इंडिया का हाइड्रोजन मतलब इंडिया क्या है, वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहता है इंडिया। तो इंडिया ने अपना एक पूरा एक प्लान तैयार किया है। तो उस प्लान के अंदर इंडिया जो है 5 मिलियन टन एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 2023 तक। तो इंडिया का टारगेट ये है कि भाई हम 2023 तक 5 मिलियन टन एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए इनके हाइड्रोजन के बारे में जरा सोचो, देखिए हाइड्रोजन जो है एक फ्यूल है, और ये हाइड्रोजन फ्यूल पॉल्यूशन नहीं करता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल इन्वायरमेंट, नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन, ऐसा उल्टा सुधे अनाप शनाप ऑप्शन देखकर वो है जो आयोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये याद रखना, इंडिया का टारगेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के जब भी आप मेंस में लिख रहे हो क्वेश्चन, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इंडिया का ये वाली लाइन जो है, ये जो ग्रीन से मैंने यहाँ पर की, इसको कोट करना बहुत जरूरी है कि इंडिया ना बहुत अच्छा, इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। अब बात करते हैं कि एक लड़की है मुंबई जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो ये जो है पहली एक यंगेस्ट इंडियन बन गए जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। तो 16 साल की इनकी जो एज 16 साल की है, क्लास 12 में है, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, ये बात याद रख लेना। पूछा जा सकता है बस इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी आयोग छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी दांव खेल जाता है। ज्योति रात्रे ये सबसे अभी उसी के साथ में लगी हुई न्यूज है कि ज्योति रात्रे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो ये पता होना चाहिए आपसे, पूछा जा सकता है कि भाई अभी रिसेंटली इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लेडी कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर चढ़ी है। तो वो मध्य प्रदेश से आती है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, ये ऐसे टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब होता है कि इनसे क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते क्वेश्चन, तुम्हारे अगर तुम्हारे यूपीएससी के नहीं, यूपी पीसीएस के अंदर नहीं आएंगे, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और ना कहीं ये आएंगे, चाहे एसएससी हो या कहीं भी हो, ये क्वेश्चन आते ही आते, ये हॉट टॉपिक होता है। मैंने आपको दिखाया क्यों, देखिए करंट अफेयर किस टाइप की तैयार करनी है, हर चीज की करंट अफेयर तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, पिछले साल के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको साथ साथ ये सारी चीजें दिखाता चलूंगा। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।